हरियाणा की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। मुख्यमंत्री बदला जा चुका है और विधानसभा का इमरजेंसी सेशन बुलाया गया है। इसके अलावा जेजेपी ने व्हिप जारी किया था अनुपस्थित होने का विधायकों का, बावजूद इसके कुछ विधायक पहुंचे हैं। ऐसे में जेजेपी की अगली रणनीति क्या होगी, हमारे साथ डॉक्टर केसी बांगर है, जेजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। सर, सब कुछ मनमाफिक होता हुआ तो जेजेपी के लिहाज से नहीं दिख रहा है। सर देखिए, आज की जो रैली है वो हमने आज से 15 दिन पहले रखी थी। आज हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस मनाने के लिए उनके हजारों कार्यकर्ता, लाखों की संख्या में उनके समर्थक आज अपने नेता का जन्म दिवस मनाने के लिए इस पावन धरा हिसार में इकट्ठे होने का काम कर रहे हैं। वो अपनी शुभकामनाएँ, अपना आशीर्वाद, अपने नेता को जो है उनकी लंबी उम्र हो, उनका स्वस्थ जीवन हो, उसकी शुभकामनाएं करने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इसी बीच में पिछले 24 घंटे में प्रदेश का वातावरण बहुत जल्दी से बदला है और विद इन लास्ट 24 आवर्स इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रूप मुख्यमंत्री दोनों में पदों में बदलाव आने का काम हुआ है। नए मुख्यमंत्री आए हैं, तो जो घटनाक्रम है, इस बदलते घटनाक्रम में कल हमारी जो है पार्टी की मीटिंग भी हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी लोग उपस्थित थे, रणनीति पर विचार हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की इस मीटिंग में, जिसमें उनके समर्थक भी यहाँ हाजिर होंगे, इन सब बातों का खुलासा करेंगे कि पार्टी की भविष्य की रणनीति क्या होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बारे में कल अधिकृत किए गए थे कि आज की मीटिंग में वो पार्टी की रणनीति के ऊपर सारा विचार विमर्श, सब बातों का खुलासा पार्टी के बारे में करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी करेंगे। क्या 10 की 10 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी? ये पार्टी की रणनीति के ऊपर जो अधिकृत किया गया है पार्टी की तरफ से, वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को किया गया। आज उनका जन्मदिवस भी है और वो सभी बातों का खुलासा अपना व्याख्यान में आपके सब सवालों का जवाब देने का काम करेंगे। अनुशासनात्मक कार्रवाई, जो विधायक व्हिप जारी करने के बावजूद उपस्थित रहे, क्योंकि आप तो पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणनीतिकार हैं, ऐसे क्या किस नजरिए से पार्टी देखती है? मैं अभी 4-5 घंटे सफर करके आया हूँ, मुझे ज्ञान नहीं व्हिप जारी हुआ नहीं हुआ, क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कल की मीटिंग में मैं हाजिर था जिसमें यह फैसला हुआ कि पार्टी की रणनीति के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 मार्च की हिसार की रैली में सब बातों का खुलासा करने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, कहीं ना कहीं क्या ये नहीं लगता है कि बीजेपी ने आपके साथ ये कुछ गलत काम किया है, या फिर कुछ विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत जाट वोट बैंक में बिखराव के लिए ये पूरा गेम प्लान रचा गया है? हर राजनीतिक पार्टी अपना आकलन करती है। जननायक जनता पार्टी जननायक चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों पर बनी हुई पार्टी है। संघर्ष से उपजी हुई चौधरी देवीलाल की नीतियां हैं। हम संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटे, ना हमारे नेता कभी पीछे हटे। चौधरी देवीलाल ने 70 वर्ष राजनीति में से 64 वर्ष विपक्ष की राजनीति की और संघर्ष किया, और आज हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के ऊपर किसान सबसे पहला विषय होता है। यही उनकी जीत थी और उसी विषय को लेकर के किसान और कमेरे की आवाज़ बुलंद हो सके, यही काम हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जिंदगी भर किया, और इसी आवाज़ को लेकर के आज रण घोष करने का काम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी करेंगे। अमित पांडे, हिसार, न्यूज़ 18 इंडिया।